हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। आज 14 फरवरी 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और पूरा पीडीएफ, पूरा ये वीडियो है, पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें जो बदलाव किए गए हैं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अंत तक वीडियो को अच्छे से देखें। आगे बढ़े उससे पहले एमपीपीएससी प्री 2019 के लिए लाइव क्लासेस 16 तारीख से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप इसको शाम को 8 बजे देख पाएंगे। उसके अलावा क्रैश कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी के लिए अवेलेबल है, और एमपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज और कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का रिविजन। पहला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री ने अपनी तरह के पहले श्री कृष्ण आयुष विद्यालय या विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ की है और इसकी स्थापना की गई कुरुक्षेत्र हरियाणा में। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में किन के आदमकद चित्र का अनावरण किया, और अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र का अनावरण किया गया। भारत में भारत और किस देश में समुद्री प्रदूषण की पहल स्थापना के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और भारत और नॉर्वे के बीच में किए गए हैं। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है, तो ये 11 फरवरी घोषित किया गया है। वहीं पांचवा प्रश्न है कि केनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक किन्हें बनाया गया है, तो ये मणि मेखलई एक को बनाया गया है। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI को बैन कर दिया है, और ये कर दिया है झारखंड सरकार के द्वारा। सातवां प्रश्न के राज्य निवेश संभावित सूचकांक 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसमें जो है केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। आठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश की पुलिस की पहल को जियो स्मार्ट इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को। नवा प्रश्न है कि किस भारतीय इतिहासकार को इसराइल के प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इनका नाम है संजय सुब्रमण्यम। और दसवां अंतिम प्रश्न है कि MRF चैलेंज सीरीज जीतने वाली पहली महिला विजेता कौन बनी है, तो जेमी चार्डविक जो है पहली महिला विजेता बन गई है। तो ये था हमारा कल के पढ़े गए करंट अफेयर का प्रश्न का रिविजन। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने कि केंद्रीय यूनानी दवाई अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा राष्ट्रीय यूनानी दवाई सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए आज का जो करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा, इसमें करीब 7 से 8 सम्मेलनों की बात करेंगे, तो सम्मेलनों को करंट अफेयर भी कह सकते हैं। देखिए इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, नई दिल्ली। डिटेल देखिए इसके क्या है, तो केंद्रीय यूनानी दवाई अनुसंधान परिषद जो है उसके द्वारा तीसरा यूनानी दिवस समारोह मनाया गया, और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया, और ये समापन भी हो चुका है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है, सरकार जो स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था करती है, उसमें यूनानी दवाइयों के योगदान और उस पर क्या संभावनाएं हो सकती है, इन पर विचार विमर्श करने के लिए ये जो है सम्मेलन था। उद्घाटन किसने किया, तो मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने इसका जो है उद्घाटन किया। अब बात मणिपुर की आई है, तो मणिपुर की हम डिटेल देखते हैं। मणिपुर कहाँ है, तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्य, यहाँ पर मणिपुर है। ऊपर इसके नागालैंड है, नीचे आप देखेंगे तो मिजोरम है, इस तरफ आप देखेंगे तो इसका जो है असम आ जाता है, राइट। अब इसकी राजधानी क्या, तो इम्फाल इसकी राजधानी है। यहाँ पर एन वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। जबकि राज्यपाल की बात करें तो मैंने आपको बताया जैसे कि डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल है। राजकीय पशु संगाई है, और यहाँ पर विशेष रूप से संगाई पाई जाता है, ये हिरण एक प्रकार की प्रजाति है, केवल यहीं पाई जाती है। राजकीय पक्षी नोगीन है, और राजकीय वृक्ष महोगनी है, महोगनी का वृक्ष आपने नाम सुना होगा। राजकीय फूल सिरोही लिली है। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दूसरा कि प्रथम LAWASIA, ठीक है, लॉ एशिया, इसको कहा जाएगा लॉ एशिया मानव अधिकार सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि आज बहुत सारे सम्मेलन होंगे, और इसका आयोजन जो किया गया न्यू दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। डिटेल देखिए इसकी क्या है, तो लॉ एशिया ने पहली बार जो है एसोसिएशन ऑफ या बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके सहयोग से। बार एसोसिएशन क्या है, जो वकीलों को मान्यता प्रदान करती है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रासंगिक जो मानव अधिकार है उनके लिए क्या उनका पता लगाने के लिए परीक्षण के लिए एक नई दिल्ली में पहला जो है मानव अधिकार सम्मेलन की मेजबानी की गई, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था स्टेट पावर, बिजनेसमैन एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंज, ये इस बार का जो है इसमें विषय रखा गया था। ये जो है वकीलों और उससे संबंधित जो सदस्य हैं, वकीलों से संबंधित जो पैसा होता है
उनके महत्वपूर्ण विषयों को और विशेषज्ञता आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है और चीजों के बारे में जानकारी देता है। कुल मिला के वकीलों से संबंधित इतना आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि तीसरा प्रश्न है कि प्रथम मीडिया इकाई वार्षिक सम्मेलन 2019 इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो पहला मीडिया इकाई वार्षिक सम्मेलन, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। तीनों जो पहले हमने सम्मेलन पढ़े सबका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसकी डिटेल देखिए, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन, राइट। और इसमें जो है मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और जो मंत्रालय है उसकी जो मीडिया इकाइयों है उसके अपनी तरह का पहला वार्षिक सम्मेलन था। उद्घाटन किसने किया, इनके जो मंत्री हैं इस मंत्रालय के, राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है चौथा, कि पांचवा अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 ये 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, भुवनेश्वर। इसकी डिटेल देखिए क्या है, तो हो क्या रहा है कि पांचवा जो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन है 2019 का, वो 13 से 14 फरवरी यानी 2 दिन के लिए भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है, और इसका आयोजन भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक, इन तीनों के द्वारा किया जा रहा है। 5,664 बांध और 437 निर्माणाधीन बांधों के साथ भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये याद रखिएगा, भारत का स्थान क्या है, इंपॉर्टेंट डाटा है। भारत तीसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद, राइट। बात करेंगे अब हम उड़ीसा की, जहां इसका आयोजन किया गया। उड़ीसा जो कि जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, तो जैसा कि बताया राजधानी इसकी भुवनेश्वर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो कि बीजू जनता दल से हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ पर, प्रोफेसर गणेशी लाल। यहाँ की बात करेंगे राजकीय पशु की, तो सांभर हिरण या सांभर जिसको कहा जाता है वो राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है, और राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल यहाँ पर अशोक का फूल है, याद रखिए अशोक वृक्ष का फूल। लोकसभा सीट की बात करें तो 21 है, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 147 सीटें। यहाँ पर देखिए रेड कलर में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये उड़ीसा है। ऊपर कौन है इसके, झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर छत्तीसगढ़ है, इस तरफ देखेंगे तेलंगाना है, नीचे आंध्र प्रदेश है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। बढ़ेंगे अब बात करेंगे विश्व बैंक की, जो इसका एक सह आयोजक था। विश्व बैंक उद्देश्य किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जो कि सदस्य राष्ट्र हैं उनका पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, और मेनली पॉवर्टी यानी कि गरीबी को दूर करना। कब स्थापना हुई थी, जुलाई 1944 में, और 1945 से इसने फंक्शन यानी कार्य स्टार्ट कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें इसका स्थापना की गई थी। मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय यहीं पर है। यह इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष जिम योंग किम है, अब इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि 1 फरवरी के बाद ये अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना गया है। अमेरिका को इसका अध्यक्ष का चुनाव होना है अमेरिका में, तो इसके चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ की सीईओ क्रिस्टिलिना जॉर्जिया है, याद रखिएगा। अब सदस्य देशों की बात करें तो 189 189 इसके जो है सदस्य, 189 सदस्य देश है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, पांचवा प्रश्न, के नई दिल्ली में आयोजित हुआ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 इसमें जो है किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये जो सम्मानित किया गया है फिजी के प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2019, और इसके में जो ऊर्जा और संसाधन संस्थान है भारत का, उसने फिजी में सतत विकास के लिए फिजी के प्रधानमंत्री जो है फ्रैंक और बोनीमा रामा, इनको सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, राइट। तो ये याद रखिएगा, और जो इस बार का थीम है अटेनिंग द 2013 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन अवर प्रॉमिस, ये इस बार का जो है इसका विषय था। बात करेंगे फिजी की, जहां के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। तो फिजी ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिजी है, और बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी यहाँ रहती है। तो किस महाद्वीप के अंदर आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, प्रशांत दक्षिण प्रशांत महासागर के, ओशिनिया एक्चुअल में ये उसका देश है। और समीपवर्ती पड़ोसी राज्यों की बात करें तो नुताऊ,
टोंगा, तुवालु, ये छोटे छोटे से देश हैं यहाँ पर आसपास, छोटे छोटे से देश स्थित हैं, राइट। तो मैप में दिखाने की इसको जरूरत नहीं। राजधानी इसकी सुवा है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रैंक बोनीरामा, जिनको जो है पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ का मुद्रा है फिजियन डॉलर, और 1 फिजियन डॉलर में लगभग 33 इंडियन रुपीज होते हैं। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ की राष्ट्रपति, अगर सरकार की बात करें, तो सैनिक नेतृत्व के अंदर अनिर्वाचित जन सरकार है, यानी कि सैनिक नेतृत्व तो यहाँ पर है। और संसद जो इसका निचला सदन है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा, और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है छठवां, कि तीसरा भारत जर्मन पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो तीसरा भारत जर्मन पर्यावरण सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, नई दिल्ली। इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो तीसरा भारत जर्मन पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, और इस बार का विषय स्वच्छ वायु हरित अर्थव्यवस्था, राइट। और एक दिन का कार्यक्रम है, और इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन की जो चुनौतियां हैं, कि क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके अलावा उनका समाधान क्या है, और क्या उनके लिए कार्यक्रम किया जाना चाहिए। इसके अलावा पेरिस समझौता और संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा 2030 है उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इस पर इसका जो है जोर रहेगा। बात करेंगे जर्मनी की, जो इसका सदस्य देश है जिसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, भारत जर्मनी। तो ये यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर देखिए ये जर्मनी स्थित है बीच में, बिल्कुल यूरोपीय कंट्री है। इसका जो राजधानी है वो बर्लिन है। यहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल है, और मुद्रा यूरो है, और लगभग 1 यूरो के अंदर वर्तमान में 79 इंडियन रुपीज होते हैं। यहाँ की सरकार की बात करें तो संघीय गणराज्य है, यानी कि राज्यों में बंटा हुआ है, और गणराज्य है, राष्ट्रपति यहाँ का प्रमुख होते हैं, और संसद यहाँ की दो है। निचला सदन जो इसका कहा जाता है बुंदेस्टोंग कहलाता है, और बुंदेस्त्र जो कहलाता है ऊपरी सदन यहाँ का कहलाता है, राइट। और दुनिया का ये जो गणतंत्र है, याद रखिएगा इसमें आप। चलिए मैप में मैं आपको जर्मनी लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको जर्मनी जाना है तो मूव कीजिए यूरोप की तरफ। ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में आप जर्मनी देखेंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में जर्मन है, जर्मनी, राइट। इसकी राजधानी बर्लिन आपको दिखाई देगी। इस तरफ इसके कौन लग जाता है, पोलैंड लग जाता है। इस तरफ प्राग या चेक रिपब्लिक लग जाता है। इस तरफ देखेंगे तो ऑस्ट्रिया है, इस तरफ स्विट्जरलैंड है, राइट। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये फ्रांस है, इस तरफ बेल्जियम है, इस तरफ नीदरलैंड है, और यहां पर एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, और ऊपर डेनमार्क लग जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सातवां, कि 2 दिवसीय अर्ली एड एशिया 2019, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, राइट। और इस सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो जयपुर में किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही है, जयपुर। इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो 2 दिन का अर्ली एड एशिया 2019 ये सम्मेलन जयपुर में के सिटी पैलेस में 12 फरवरी को शुरू हुआ, और उद्देश्य क्या है, एशिया में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोत्तम अभ्यासों को सीखना, यानी बेस्ट क्या हो सकता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, नेटवर्किंग और साझा करने के लिए मंच प्रदान करना, राइट। और ये प्रारंभिक शिक्षा पर भारत में जो आयोजित किया जाने वाला एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, इसलिए और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगला प्रश्न है आठवां, कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही उत्तर है। इसकी डिटेल देखिए, तो विश्व रेडियो दिवस सूचना और मनोरंजन के एक मंच के रूप में दर्शाते हुए 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार का जो विषय था संवाद, सहिष्णुता और शांति, यानी कि डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस था, राइट। घोषणा इसकी हुई थी 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को की 36वीं आम सभा में। तो अब यूनेस्को की बात आई तो यूनेस्को की जानकारी हम ले लेते हैं। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मेंस में 3 नंबर का प्रश्न आ गया था ये एमपीपीएससी में। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका पेरिस के अंदर है, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में आंद्रे ओजेले है, राइट। और ये सीईओ पिछला प्रिंट हो गया तो ये गलत है। कुल सदस्य देश 193 है, एक्चुअल में इसके 193 सदस्य देश थे, लेकिन 2 देशों ने इसका जो है सदस्यता छोड़ दी, तो अब कितने बचे हैं, 191 बचे हैं। कौन कौन से ने छोड़ी इसकी डिटेल देखिए। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जो है, ये दुनिया भर में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, जिनको विश्व विरासत स्थल कहा जाता है, उनको संरक्षित करने का काम करता है। जनवरी 2019 में अमेरिका और इजराइल ने भेदभाव का आरोप लगाकर यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी।
अक्टूबर 2017 में घोषणा की थी और जनवरी 1 जनवरी 2019 को छोड़ दिया, तो 191 अब इसके सदस्य देश बचे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवा है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया है, और यह समाप्त कर दिया गया राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो राजस्थान की सरकार ने जो पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता की जो अनिवार्यता थी उसको अब समाप्त कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि अनपढ़ लोग जो हैं वो स्थानीय चुनाव लड़ पाएंगे, राइट। और राजस्थान की विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित हुआ, और संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक के द्वारा ये नियम बनाया गया है। बात करेंगे राजस्थान की, तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। इस तरफ देखेंगे इसकी सीमा किसके लग रही है, हरियाणा पंजाब, ऊपर पाकिस्तान के साथ, नीचे गुजरात के साथ। इस तरफ लग जाती है इसकी सीमा मध्य प्रदेश और इसके साथ यूपी के साथ, राइट। राजधानी क्या है इसकी, तो जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत, हाल ही में सरकार बनी है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल यहाँ के कल्याण सिंह है, राइट। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है और ये भी हिरण प्रजाति का है। राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अब मैंने आपको कल एक और बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एक शुभंकर भी बनाया गया, तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा किसका शुभंकर बनाया गया है। और राजकीय वृक्ष यहाँ का खेजड़ी है, राइट, खेजड़ी। और राजकीय फूल रोहिड़ा है, इस प्रकार का ये दिखाई देता है। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 25 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं, जिनमें से 199 पर हाल ही में भी चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न, 10वां अंतिम भी है, कि मेघालय में 2020 में होने वाले जो राष्ट्रीय खेल हैं उसके लिए शुभंकर क्या होगा, राइट। तो उसके लिए जो शुभंकर बनाया गया है वो तेंदुआ बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, तेंदुआ। इसकी डिटेल देखिए, तो मेघालय में 2022 में होने वाले हैं राष्ट्रीय खेल और उसका जो शुभंकर है वो तेंदुआ होगा। तेंदुआ जंगली बिल्लियों में से एक है, जो गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ियां पाई जाती हैं मेघालय में वहां रहता है। और मेघालय पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य होगा जहां पर इन खेलों की मेजबानी की जाएगी। पिछला मणिपुर और असम में हुआ था, तो 1999 और 2007 में होता। अभी याद रखिएगा, अभी ये 22वां खेल होगा। इसके बाद अभी 36वां राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होने वाले थे गोवा में, और कब से टल रहे हैं, 2015-16 से लगातार चल रहे हैं। 2016 में होने थे, फिर 17 में टल गए, 17 से 18 में टले, 18 से भी 19 में होने थे और 19 में फिर इनकी डेट टल गई है। अभी मार्च अप्रैल में होने वाले थे लेकिन टल गई, तो 36वां नहीं हुआ। और ये 2022 का कब होगा, होगा नहीं होगा, ये नहीं पता। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे, हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न पुरस्कार को कब दिया गया था, तो इनको जो भारत रत्न पुरस्कार की जानकारी थी जागृति बिरला, इन्होंने बताया है कि 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, उस समय के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और पहला भारत रत्न जो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था 1954 में। अब आज का प्रश्न, कि जयपुर जो है उस शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसकी जानकारी मुझे बताइएगा। और भी जो कुछ आप बता सकें उसके लिए आपका स्वागत है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट बताइएगा जानकारी, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वेबसाइट पर जाएं examguruji.in, और वेबसाइट पर जाकर आप करंट अफेयर की PDF जरूर डाउनलोड करें। आज की बात हम करेंगे यही समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।